नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। होशियारपुर पुलिस ने बच्चे को अगवा करने और 3 करोड़ की फिरौती मांगने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को किया काबू। मोटरसाइकिल, 2 मोबाइल और 2 हेलमेट किए बरामद। संगरूर की लहरा गागा गौशाला में अचानक 21 गौओं की हुई मौत, डॉक्टरों की टीम जांच में जुटी। संगरूर में डिप्टी कमिश्नर कार्यालय के समक्ष हथियारों की दुकान में हुई चोरी, पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी। और अब हलचल विस्तार से। थाना टांडा क्षेत्र में एक बच्चे को अगवा करने और फोन पर धमकियां देकर 3 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को होशियारपुर पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए होशियारपुर पुलिस के एसएसपी सुरेंद्र लांबा ने बताया कि इस मामले की जांच के लिए सीआईए स्टाफ होशियारपुर के इंचार्ज इंस्पेक्टर बलविंदर पाल और मुख्य अधिकारी थाना सदर इंस्पेक्टर ओंकार सिंह बराड़ की अगुवाई में विशेष टीमों का गठन किया गया और उन्होंने बताया कि 20 दिसंबर 2023 को थाना अराइया में कुछ लोगों द्वारा कॉलेज प्रिंसिपल के बेटे को अगवा करने की कोशिश की गई थी और गैंगस्टर्स ने धमकी देकर 3 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी, जिस संबंधी पुलिस ने 2 दोषियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान मनप्रीत उर्फ प्रिंस निवासी पटवारी मोहल्ला टांडा होशियारपुर और अनिल कुमार उर्फ राधे निवासी लुधियाना हालिया निवासी टांडा होशियारपुर के तौर पर हुई है। उन्होंने बताया कि दोषियों द्वारा फिरौती मांगने की सारी ट्रेनिंग सोशल नेटवर्क साइट यूट्यूब और फेसबुक के जरिए ली गई थी। पुलिस ने आरोपियों के पास से वारदात में इस्तेमाल किया गया मोटरसाइकिल, 2 मोबाइल और 2 हेलमेट बरामद किए हैं। फिलहाल दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है, जिससे और भी खुलासे होने की संभावना है। होशियारपुर से हलचल के लिए अंकुश गोयल की रिपोर्ट। अच्छा, 2 केस पुलिस स्टेशन टांडा दे विच रजिस्टर हुए, जिन्हां विच एक FIR दर्ज किया गया 5-1 नू एक्सटॉर्शन दा, जिदे विच एक बाहर दे मोबाइल नंबर तो एक्सटॉर्शन कॉल आई रोहित टंडन नू, जिहड़े टांडा दे रहण वाले हैगे उन्हां नू, ते उन्हां नू मैसेज आया ते उन्हां ने 3 करोड़ रुपीज़ दी एक्सटॉर्शन डिमांड की, तो उन्होंने दस्या कि जेकर एक्सटॉर्शन नहीं दी जाती हैगी तो उन्होंने परिवार को, उन्होंने बच्चे को, उन्होंने जान का खतरा हो सकता है, वो उन्होंने नुकसान पहुँचाएंगे। एट द सेम टाइम इन्होंने आ भी कहा कि जरा एक इंसीडेंट 22/12 को होया, उन्होंने बेटे की किडनैपिंग का जरा अटैम्प्ट का एक इंसीडेंट होया, उन्होंने वालों किया गया, तो वह एक्चुअल इंसीडेंट सगा, तो इस करके इन्हों एक्सटॉर्शन जी है दी जाए, अदरवाइज वो नुकसान पहुँचा सकते हैं। साड़ी टीम ने इमीडिएटली जरा है इनू खास तौर पर SPD की निगरानी हेठ CIA की टीम ने इमीडिएटली इनू इनवैसटीगेट कर दे विदिन रजिस्ट्रेशन तो विदिन 3 डेज असी इनू ट्रेस किया, तो ट्रेस करके 2 बंदे जड़े जिन्होंने आ सारी कॉन्सपिरेसी रची सी वो अरैसट किए, जिन्हों में एक का नाम मनप्रीत एलियास प्रिंस हैगा, तो दूजे का नाम अनिल कुमार उर्फ राधे हैगा। संगरूर की लहरा गागा गौशाला में अचानक 21 गौओं की मौत हो जाने के बाद पूरे शहर में शोक का माहौल है। प्रशासन और डॉक्टरों की टीम जांच में जुट गई है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में गौओं की मौत कैसे हुई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही लहरा गागा के विधायक वरिंदर गोयल भी मौके पर पहुंच गए। इस गौशाला में लगभग 200 गायें रखी गई हैं। इस मौके पर विधायक वरिंदर गोयल ने बताया कि बीती रात्रि कुछ गौओं का स्वास्थ्य बिगड़ गया, जिसके बाद डॉक्टरों की टीम मौके पर पहुंच गई, लेकिन सुबह तक 21 के करीब गाय की मौत हो गई थी। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों की टीम जांच कर रही है और इन गायों की हालत कैसे बिगड़ी और मौत का क्या कारण है। उन्होंने कहा कि गौओं की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद ये पता चल पाएगा। फिलहाल जो फीड चारे के लिए दी जाती थी उसे रोक दिया गया है, जाँच के बाद ही उन्हें गायों को दिया जाएगा।
फिलहाल मौत का कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। देखो बहुत ही माड़ी गल हुई है, भी दे करीब गऊं जड़ियां हो मर गई ने। कल शाम नूं ये घटना वापरी, शाम नूं करीब 8 बजे 2-3 गऊं अफेक्टेड सी। देखदी देखदे तां 20 दे करीब गऊं जड़ियां तड़फ तड़फ के उन्होंने जान देती। पर उस समय सारे गऊ भगत, सारी डॉक्टरां दी टीम, जिहड़े कोई प्राइवेट काम करदे ने वो डॉक्टर भी, सारे सरकारी डॉक्टर भी, जिन्हें भी इस काम दे विच सहाई हो सकते सी वो सारी इत्थे पहुँच गए थे। सारा प्रशासन भी इसे दी, सो उन्हां गऊआं दा ट्रीटमेंट भी किया गया पर बच नहीं सके। सो ये बहुत दुख वाली गल हुई है, अज संगरांद है, बहुत दुख है इस चीज़ का। ये दुख नूं असीं बयान नहीं कर सकते, साडा सारा प्रशासन है जिहड़ा वो इत्थे गऊशाला कमेटी दे नाल खड़े है, ते जो भी संभव हो सकता है वो सारा कर रहे हैं। इमीजिएटली मौके पर जिहड़ी साडी पुलिस है ते साडे प्रशासन दीआं टीमां ते साडे जिहड़े डिप्टी डॉक्टर एनिमल हस्बेंडरी हैगे आ उहनां दीआं टीम्स आ गईआं सीगीआं, ते उन्होंने वो एसरटेन कर रहे ने जी कॉज ऑफ डैथ की है, किस कारण करके होया, क्यों ये वापरिया, तो पोस्टमार्टम कंडक्ट कर रहे ने। ते बाकी भी जो जिहड़ी नॉर्म के अनुसार जांच बनती है वो जिहड़े डिप्टी डॉक्टर एनिमल हस्बेंडरी अपनी सुपरविजन च करवा रहे ने। संगरूर में डिप्टी कमिश्नर कार्यालय के समक्ष हथियारों की दुकान में चोरी होने का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के मुताबिक चोर असला लाइसेंस की दुकान के शटर के ताले तोड़कर अंदर दाखिल हुए। इस संबंध में जानकारी देते हुए एसएसपी संगरूर सतिंदर सिंह चाहल ने बताया कि सुबह ही उन्हें जानकारी मिली थी कि असला लाइसेंस की दुकान में चोरी हुई है, जिसके बाद उनकी टीम लगातार इसकी जांच कर रही है और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। उन्होंने बताया कि जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि कितना असला चोरी हुआ है। प्राथमिक जांच में सीसीटीवी कैमरों में दो चोर सामने आए हैं और जांच के बाद ही पता चलेगा कि इसमें और कौन कौन शामिल हैं। उन्होंने कहा कि असला लाइसेंस की दुकान के लिए जो जो गाइडलाइंस जारी की जाती हैं उसे इस दुकान के लिए फॉलो किया गया है या फिर नहीं, ये भी जांच के बाद ही पता चलेगा। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। एक गन हाउस के विच चोरी हुई है, उन्हें स्टॉक टेकिंग चल रही हैगी, तो असं अपनी टीम्स बना के जो अक्यूज है उन्होंने आइडेंटिफाई तो नैब करने वास्ते पूरे जोर ला रहे हैं, पूरी एफर्ट्स कर रहे हैं। सर किन्ना का शुरुआती तौर पर किन्ना पता चला है भी किन्ना नुकसान हुआ है? कुछ ज़्यादा जिहड़ा ओनर्स के मुताबिक ही बिल्कुल मिनिमल होया हैगा, तो उही दस रहे हैं कि कुछ देर जो अपनी सारी स्टॉक टेकिंग भी कर लेंगे, उस इस टाइम इस पर ही लगे हुए हैं, जो क्लीयर करेंगे उस तो बाद ही तुम्हें एग्जैक्ट फिगर दे पाऊंगा। सर इन्होंने कोई सिक्योरिटी गार्ड वगैरह रखा नहीं हुआ, सीसीटीवी कैमरा लगे नहीं हुए? जेड़ा कुछ फुटेज वगैरह रिलेटेड चीज़ें हैं वो मैं तफ्तीश के बाद दस पावांगा, सिक्योरिटी गार्ड फिलहाल इतने नहीं सी। बंदे दो हाले तो दो ही दिसे है, तो इस तो वध भी सानू उम्मीद है कि कोई होणगे, तो असी सारे पासों उपराले कर रहे हैं, असी सीक्रेट इनफॉर्मेशन भी लगा रहे हैं कि सानू क्लीयर होवे कि इस वारदात को किवें अंजाम दिता गया, तो इसके पिछे कौन है, कितने बजे घटना? सर ये मिडनाइट तो बाद हुई है जी, ये रात दी है जी, ते मतलब वो तो होया पर बचत रहेगी जड़ी गल है। कुछ भी नहीं चोरी हुआ? नहीं, सारी बचत है जी। चेक कर ले चेक चल रहे जी, हाल तक एक लंबा काम है, सारे हरेक असले नु कार से हर चीज नु मिलावांगे। कितनी संभावना लगती है किवें चोरी करने की कोशिश की थी, ये गल करिए भी लॉक तोड़े की कीता, मतलब जो लॉक ही तोड़े जी? सर की चोर अंदर आ गए सीगे तोड़ी दुकान दे? नहीं आ तो गए पर बचत रहेगी, यानी कोई खड़का लड़का सुन के भज गए। जालंधर से लुधियाना जाने वाले फिलोर बस अड्डे पर सुबह लूट की घटना सामने आई। मिली जानकारी के मुताबिक एक बस कंडक्टर अपनी ड्यूटी पर जाने के लिए फिलोर बस अड्डे पर लुधियाना जाने वाली बस का इंतजार कर रहा था। इस दौरान मोटरसाइकिल सवार दो नौजवान उसके पास आए और कंडक्टर से पैसों से भरा बैग छीनकर भाग निकले।
कंडक्टर ने मदद के लिए काफी शोर मचाया, लेकिन कोई मदद के लिए आगे नहीं आया, जिस कारण लुटेरे भागने में सफल हो गए। इसके बाद इसकी सूचना थाना फिल्लौर को दी गई। वहीं मौके पर पहुंचे एएसआई जगपाल ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। फिल्लौर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। मैं ऐसे जगपाल थाना फिल्लौर थे, कोई सूचना मिली है, कोई बस वाले को कोई झोला झाला खो के अननोन बंदे ले गए। बाकी तस्दीक कर रहे हैं, जो कोई गलबात होगी आप जो सामने आऊगी कार्रवाई करा। फिल्लौर के मोहल्ला पंडेरा में बीती रात्रि 12 बजे के करीब कई साल पुरानी बिल्डिंग अचानक गिर गई। बिल्डिंग गिरने की वजह से जोरदार आवाज हुई, जिससे आसपास के लोग जाग उठे और शोर मच गया। इस दौरान लोगों में दहशत भी फैल गई। इस संबंध में जानकारी देते हुए क्षेत्रवासियों ने कहा कि इस घटना में जानी नुकसान होने से बचाव रहा, लेकिन आसपास के मकानों को खतरा पैदा हो गया है। मोहल्ला वासियों ने मांग की है कि जिसका ये मकान है उसे जल्द ही मकान का मलबा उठाने के लिए कहा जाए और अपने मकान की मरम्मत करवाने के लिए कहा जाए, ताकि उनके घरों को नुकसान ना पहुँच सके। फिल्लौर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। राज रानी की होया की हो? ओ मकान दा तिबारा के डिग गया। हां जी, ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ? ਕਾ ਸਾਡਾ ਘਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ ਇਹ? ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੈਗਾ ਕਿੰਨਾ ਲੋਬੀ ਲੰਬੂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਦਾਂ ਦਾ? ਕੋਈ ਬਚਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਆਹੋ ਬਾਕੀ ਆ, ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ ਨੂੰ ਖਤਰਾ। ਜਲੰਧਰ ਸੈਂਟਰਲ ਹਲਕੇ ਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ ਕੀ ਓਰ ਸੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਮੈਂ ਔਚਕ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹੋਨੇ ਵਹਾਂ ਪਰ ਸੈਂਕੜੋਂ ਖਾਮੀਆਂ ਪਾਈ, ਜਿਸ ਪਰ ਉਨ੍ਹੋਨੇ ਸਟਾਫ ਔਰ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਓ ਸੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀ। इस अवसर पर विधायक रमन अरोड़ा ने मीडिया से बातचीत में माना कि सिविल अस्पताल में चेकिंग के दौरान कई खामियां पाई गई हैं, जिसमें फायर सिलेंडर खराब होना, शराब की खाली बोतल मिलना, कैंटीन पर अव्यवस्था का आलम होना, कैंटीन पर मंजूर शुदा सामान के अलावा अन्य सामान की बिक्री होना सहित अन्य कई खामियां पाई गई हैं। उन्होंने कहा कि इस संबंध में आला अधिकारियों से पूछा जाएगा और इसे सरकार के नोटिस में लाते हुए लापरवाही बरतने वाले स्टाफ पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। कंप्लीट हो लंदे तो तनु वीर विच है सारी चीज। हुन तक सर किन्नी केड़े-केड़े कैंटीना दे चेकिंग कीती है, की मिले है? देखो मेन पहले तो कल नु पता लगा कि इतने थोड़ा जहा झगड़ा होया रात नु, किसी ने शराब पी के इतने झगड़ा किया कंटीन से। अज फिर सवेरे असं आ गए तो सारा चेक किया, तकरीबन तिना कंटीना से शराब दी बोतलां भी मिली ने और काफ़ी होर भी पुठा सिद्धा समान मिले, पर जोड़ा उसे नहीं होना चाहिए। सर एक चीज़ होर है, पता लगा कि दो कंटीना की लिस्ट जारी की हुई है, घट्टो घट तीन तो चार जो कंटीना चल रही है, चार कंटेनर करे वेरीफाई कर रहे हैं, तो सारा उसका जवाब वेरीफाई कर। सर स्पाई डेट का सामान भी मिलेगा? बिल्कुल, स्पाई डेट का सामान भी बहुत मिलेगा जी। कमर्शियल सेंटर यूज़ कर रहे हैं कि यूज़ कर रहे हैं नहीं जी, डोमेस्टिक टोटल डोमेस्टिक सिलेंडर ने कम से कम 25 सिलेंडर असी देखे सारे डोमेस्टिक। फायर सिस्टम लगा है? कोई फायर सिस्टम नहीं इतने लगे। अगर जो सर कोई घटना होती है तो कौन जिम्मेवार होएगा? इसे करके तो आए हैं सारा चेक करने वास्ते, और जिहड़ी भी गल इन्हां नूं स्टाफ नूं पूछी जा रही उसका बिल्कुल प्रॉपर जवाब नहीं दे रहे, गोलमोल जवाब दे रहे। हूँ ये पता लगा सामने वेरका का जो बूथ है उसे दूसरिया मशीन भी लगे हुई जी, इतने नहीं लगनिया चाहिए। फोटोस्टेट मशीन इतने लगे हुई हैं, वेरका पंजाब सरकार ने बूथ दिते है जो वेरका का समान प्रमोट करने वास्ते, ना कि फोटोस्टेट मशीन लगाने वास्ते। आज जब पूरी दुनिया में लोहड़ी का त्यौहार मनाया जा रहा है और बेटों के जन्म पर लोहड़ी की खुशियां मनाई जा रही हैं, वहीं बरनाला जिले के एक किसान परिवार की तीन बेटियों ने अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। बरनाला के कोठे सुरजीतपुरा की तीन बेटियों ने एक साथ सरकारी नौकरी हासिल कर अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। तीनों बहनों को बरनाला के जिला प्रशासनिक परिसर में एक ही भवन के नीचे नियुक्त किया गया है, जिन्होंने तीन अलग अलग विभागों में काम करना शुरू कर दिया है। इनमें सबसे बड़ी संदीप कौर की नियुक्ति 3 दिन पहले ही भाषा विभाग में हुई है, जबकि वीरपाल कौर की नियुक्ति एक्साइज एवं टैक्स विभाग में हुई है और सबसे छोटी बहन जसप्रीत कौर की नियुक्ति डीसी ऑफिस में हुई है।
तीनों बहनों ने इस उपलब्धि का श्रेय अपने माता पिता को देते हुए अपनी खुशी जाहिर की है। बरनाला से हलचल के लिए विनोद शर्मा की रिपोर्ट। बहुत खुशी की गल है जी, क्लर्क डिपार्टमेंट अंदर तीन बेटियां सिलेक्ट हुई ने, बहुत खुशी जी, सरकार की भी धन्यवाद मन कर देंगे। बाकी मेहनत दे बहुत ज़्यादा औखे सौखे समय भी आए तो फिर चलते रहे, बच्चे भी मेहनत बच्चों ने भी की, असी आप भी नाल होकर आते, बस जो पढ़ाई तो शुरू हो गए बस समा यही बनता रहा भी किसी ना किसी मंजिल से जो पहुँच जाए तो आने वाले समय से रुजगार कोई मिल जाए तो चंगी गल है। मेहनत बहुत औखी भी बहुत हुई है, मेहनत करी है, परमात्मा ने कराई है, चाहे असी धन्यवाद करते हैं परमात्मा का भी सब का नहीं मन परमात्मा ने सानू आपे वह दिमाग खोलता गा जो चंगे थान से लेके जाना। बहुत पेपर बीते ने, पेपरों के कुछ कमियां भी पैदा रही फिर भी असी हौसला नहीं हारा है। हाँ जी, डी एक भाषा विभाग जी, एक डी सी दफ्तर च, एक ढाई सौ विभाग जी, डी पालको बहुत खुशी की गल है जी, बच्चिया आपकी मंजिल पर पहुंचिया, असी बहुत धन्यवाद करते हैं जी। बाकी बहुत औखियाइया सखियाइया बहुत कट्टिया जी, एक गरीब परिवार होने के नाते बच्चिया उपर उठिया परमात्मा की कृपा नाल, परमात्मा ने बहुत कृपा की इन्होंने बच्चियों अपनी सतर साया दे थले रखा, बहुत मेहनत की जी इन्होंने बच्चियों ने, दिन रात एक किया, बाकी कम्मा कारां च भी बहुत हाथ वटाया जी। बहुत मेहनत की जी। हाँ जी, मेरा नाम संदीप कौर, मेरे फादर साहब का नाम महिंदर सिंह, साडा पिंड कोठे सुरजीतपुरा गा, बरनाला दे नाल ही लगता पिंड आ साडा, ये मेरी सिस्टर ने बीरपाल, तो यह जसप्रीत, मेरी हुणी हुणी जॉइनिंग हुई है भाषा विभाग बरनाला दे विच एज अ क्लर्क, तो जड़ी मेरी छोटी यह सिस्टर बीरपाल, यह मार्च दे विच जॉइन किया इन्हें एक्साइज एंड टैक्स डिपार्टमेंट दे विच बरनाले क्लर्क, तो जसप्रीत ने डीसी ऑफिस बरनाला दे विच क्लर्क जॉइन किया गा, तो मैनू बहुत खुशी हैगी भी असी तिने जाने भी सरकारी नौकरी ते लगे, तो मैं अपने पेरेंट्स का बहुत धन्यवाद करना चाहनी हैगी, तो इन्होंने नाल जाना भावें औखे सौखे किमें भी घर कोई काम भी खेतीबाड़ी होने करके भी बहुत घरेलू कम्मां च उलझे रहिंदे सीगे भी, फिर भी पर कदे साडी पढ़ाई नूं नहीं पिछे रख्या, भावें होर घर का कम कोई पिछे रह जांदा, क्योंकि कई बार हुंदा सरकार सोचदी है चार साल कुछ नहीं करती हैगी, जमा एंड ते आके उन्होंने ऐ हुंदा भी असीं आपदा उह करिए, तो भी ये साल दे साल जां मतलब ये जरूर सोचना चाहिए गा भी हर एक सरकार नूं ही आपदा कम टाइम ते करना चाहिए गा। हाँ जी, सब तो पहला तो रब का शुकराना भी जिहड़े सानूं इत्थे तक लैके आए, तो साडे पेरेंट्स ने सानूं बहुत सपोर्ट की, मीनस उन्होंने मतलब इन्ने एग्जाम मतलब हो जाते सी ना भी कई बार एक दो पॉइंट्स ते रह गए जां कई पेपर क्लीयर हो जाते सी, टाइपिंग चों रह जाते सी जां बाकी पुलिस वगैरह के कई बार एक दो ट्रायल्स चो सु जेल सुपरटेंडेंट का जो मेरा ट्रायल रह गया सीगा, मतलब उदो आए हार मन जाती सी असी कदे कदे भी ये की हो गया, एक बार जदों असी मेरे पापा नाल गए सी ट्रायल दवाउण आउंदे होए मैं मतलब रोन लग गई सी ट्रायल दे के आ गए भी हुण मतलब उद्दे मेरे एकदम डाउन हो गया सी मेरा भी हुण इदू बाद ना मैं मतलब भी पेपर क्लीयर हो जाता भी हुण ऑप्शन नहीं सी मेरे कोले, इक्को ही ऑप्शन होंदी सी क्योंकि बाकी लोग कहने सी भी एक जना तो बाहर जाओ भी तुसीं तिन्न हो भी तुहाडे पेरेंट्स दा बारे सोचो तुसीं, पर असी सोचा होया सी भी जे साडा इधर बन गया तो साडा बहुत ही वधिया हो जाऊ, तिन्ने इत्थे असी सारे फैमिली नाल इत्थे इंडिया च ही रहांगे। फिरोजपुर के एसएसपी दफ्तर में पुलिस प्रशासन की तरफ से लोहड़ी का त्योहार मनाया गया, जिसमें सभी पुलिस कर्मचारियों ने मिलकर सभी को बधाई दी। इस अवसर पर पुलिस के एसपीडी रणधीर कुमार ने कहा कि पुलिस प्रशासन की तरफ से लोहड़ी का पर्व एसएसपी दफ्तर में मनाया गया है, जिसमें सभी ने कामना की है कि आने वाला समय खुशियों से भरा हो। उन्होंने कहा कि अलग अलग जगहों पर ड्यूटी होने के कारण कई बार एक दूसरे से मिला नहीं जाता, लेकिन आज लोहड़ी के पर्व पर सभी इकट्ठे होकर लोहड़ी का पर्व मना रहे हैं।
जिससे सभी में खुशी है। वहीं उन्होंने सभी देशवासियों को लोहड़ी और मकर संक्रांति की बधाई दी। फिरोजपुर से हलचल के लिए मनजीत सिंह की रिपोर्ट। पहला तो मैं आपनों ते सारे फिरोजपुर निवासियों नूं लोहड़ी दी लख लख बधाई देना। ते आज जिहड़ा हैगा तुसीं जिवें देख सकते हो सारा जिहड़ा पुलिस परिवार है वह इकट्ठा होकर के लोहड़ी दा त्यौहार बड़ी खुशियों नाल मनाया। मैं ये भी उपर वाले तो यह प्रार्थना करता हाँ कि सारे फिरोजपुर वासियों नूं ते साडे फिरोजपुर जिला पुलिस लई ये साल बहुत शुभ हो। नाल नाल मैं ये जिहड़ा हैगा ये जनता तो मैं अपील करना चाहना कि जिहड़ा त्यौहार है खुशियों दा त्यौहार है उन्हें खुशियों नाल बनाइए। जिहड़ा चाइना डोर हैगा उहदा प्रयोग ना करियो क्योंकि चाइना डोर तो तुसीं देख सकते हो बड़े जीव ते लोकां दा जिहड़ा है नुकसान हो जाता। हम सफर यूथ क्लब और एकता यूथ क्लब की ओर से संयुक्त रूप से लोहड़ी के पावन अवसर पर एक समारोह का आयोजन करते हुए सिविल अस्पताल के जच्चा बच्चा वार्ड में लड़कियों की लोहड़ी मनाई गई। इस दौरान SMO जच्चा बच्चा वार्ड वरिंदर कौर विशेष तौर पर उपस्थित हुई। इस दौरान हमसफर यूथ क्लब के प्रधान रोहित भाटिया ने बताया कि लड़कियों की लोहड़ी मनाने का मुख्य मकसद लोगों को भ्रूण हत्या ना करने के प्रति जागरूक करना है। उन्होंने कहा कि आज 40 के करीब नवजन्मी बच्चियों के साथ लोहड़ी मनाई गई है। वहीं SMO में वरिंदर कौर ने भी समाज सेवा संस्था द्वारा किए गए इस कदम की सराहना की। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। आज हम सफर NGO और एकमदीप NGO वालों तीयां दी लोहड़ी दी सेलिब्रेशन वास्ते बच्चों नूं वॉर्म ब्लैंकेट्स ते थोड़े जिहे गिफ्ट्स दिते गए ने जिहदे करके मैं उन्हां दा बहुत धन्नवाद करदी हाँ। और इदां दे दान दी सिरजना करके ही साडा जिहड़ा समाज है उहदे विच इक बैलेंस जिहा बणिया रहिंदा है कि जिहड़ा इक समाजिक ताना बाना है या सोशल फैब्रिक है उहदे विच समरसता रहिंदी है। और अजकल दे समें दे लोगों के काफ़ी अवेयरनेस आई है जिहदे विच लड़के और लड़कियों के कोई फर्क नहीं रखा जाता। लड़कियों भी उन्ना ही प्यार और मुहब्बत के नाल पालिया जाता है जिदा कि लड़कियों। हाँ जी, मैं रोहित भाटिया जी हमसफर यूथ क्लब तो जलंधर का प्रेजिडेंट हूँ। अज लोहड़ी के उत्सव वाले दिन सिविल हॉस्पिटल जो नवजमिया बेटियां है उन्होंने नाल साडी हमसफर यूथ क्लब और एकम यूथ क्लब वालों ये लोहड़ी का ओकेजन जो सैलीब्रेशन है ये असी अपने छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे है उन्होंने परिवार के नाल असी मनाया जा रहे हैं और खास करके उन्होंने बच्चे उन्होंने परिवार के नाल जिन्हों की बेटियां हुई एक मैसेज असी क्लब वालों पूरे समाज में देश में देना चाहते हैं थोड़े मीडिया वालों कि ये असी करन बाय बेबी का भी कर सकते हैं बाहर भी कर सकते हैं बट अपन नवजमिया बच्चियां और जच्चा बच्चा केंद्र में ही क्यों चुने इस करके चुने कि जोड़ा अच्छ समाज के एक साडी पीढ़ियाँ पिछलियाँ पीढ़ियाँ तो एक कुरीति चल रही आ रही कि भ्रूण हत्या खास करके बेटी ने लैके भ्रूण हत्या जो साडे समाज की कुरीति है तो उस कुरीति का विरोध करते हो उस तरीके को खत्म करने लिए पहल करते हो माँ बगलामुखी धाम गुलमोहर सिटी नजदीक लम्मा पिंड चौक में श्री शनिदेव महाराज के निमित्त श्रृंखलाबद्ध हवन यज्ञ का आयोजन मंदिर परिसर में किया गया। सबसे पहले मुख्य यजमान राकेश प्रभाकर से सपरिवार वैदिक रीति अनुसार पूजन करवाया गया जिसके बाद ब्राह्मणों ने आए हुए सभी भक्तों से हवन यज्ञ में आहूतियां डलवाई। इस सप्ताह श्री शनिदेव महाराज के जाप उपरांत मां बगलामुखी जी के निमित्त भी माला मंत्र जाप एवं हवन यज्ञ में विशेष रूप से आहूतियां डाली गई। हवन यज्ञ की पूर्णाहुति के उपरांत नवजीत भारद्वाज ने आए हुए भक्तों से रामचरितमानस के बारे में व्याख्यान करते हुए बताया कि रामचरितमानस में भगवान श्री राम के चरित्र का चित्रण जितने प्रभावशाली तरीके से किया गया है उतने ही प्रभावशाली तरीके से भगवान राम के माध्यम से जीवन को जीने का तरीका भी बताया गया है। इस अवसर पर श्वेता भारद्वाज, पूनम प्रभाकर, समीर कपूर, अमरजीत सिंह, बाबा जोशी, नवदीप उदय, अजीत कुमार, गुलशन शमा, ऋषभ कालिया, अश्वनी शर्मा, धूप वाले, मुनीश शर्मा, दिशांत शर्मा, अमरेंद्र शर्मा, मानव शर्मा, बाबा खन्ना, विवेक शर्मा, श्याम लाल, एडवोकेट राजकुमार अभिलक्ष्य, चुग, सुनील, राजीव, राजन शर्मा, प्रिंस सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे।
आरती उपरांत प्रसाद रूपी लंगर का भी आयोजन किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बावा की रिपोर्ट। सारे सेवादारां वल्लों मां बगला मुखी धाम दे और समूह संगतां वल्लों लोहड़ी दियां और मकर संक्रांति दियां हार्दिक शुभकामनावां। श्री शनिदेव महाराज जी दे निमित्त जिहड़ा हर शनिवार नूं सवेरे 7 बजे तो 8 बजे तक हवन जग हुंदा है, उस दौरान जिन्नी आई हुई संगत है उन्हां वल्लों अज लोहड़ी दे उपलक्ष्य नाना प्रकार दे नैवेद्य और नाना प्रकार दियां जड़ी बूटियां दे नाल भोग लगाए गए प्रभु नूं और हवन यज्ञ च आहुतियां डालियां गईयां और सारे ने अपने कुशल क्षेम मंगी है। परिवारिक आर्थिक समाजिक तौर पर महाराज के चरणों के अरदास बेनती की है और साड़ी यही कारवाद प्रार्थना है महाराज के चरणों कि इदा ही तुहाड़ी संगत जिहड़ी आवे वो परिपूर्ण होकर जाए। और इस दे नाल नाल मैं दसना चाहना कि हर वीरवार को भी सवेरे 6:30 to 7:30 हवन यज्ञ होंगे है और बहुत दूरों दूरों संगत आती है और बड़ा आशीर्वाद महामाई का लेंदी है। अज शनिवार श्री शनिदेव महाराज जी के निमित्त हवन यज्ञ होया, बहुत दूरों दूरों आईया संगत ने आशीर्वाद लिया और साडा यही कामना है प्रभु के चरणों कि अपना मेहर भरे हाथ सारिया संगत दे रखो और इदा ही निर्विकार निर्विरोध और किसी भी लाग डाट तो बिना ऐदी थोड़े हवन यज्ञ आईए और आशीर्वाद प्राप्त करिए। बाबा जय शनिदेव जी महाराज जी जय हो। शनिदेव महाराज जी के निमित्त अज जो हवन यज्ञ जरा किया गया और लोहड़ी के उपलक्ष्य के लोगों ने आके बहुत जड़िया नाना प्रकार के रेवड़ियाँ मूंगफलियाँ के फल से अनेक नैवेद्य जोड़े उन्होंने हवन यज्ञ किया और प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त किया। असी प्रभु के अगे बेनती करते हैं कि जो सारे उन्होंने भगतों के उत्ते अपना जो आशीर्वाद बनाए रखन। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर पावन सरोवर तटवासिनी पर स्थित विश्वमुखी माँ त्रिपुर मालिनी धाम में साप्ताहिक भजन संध्या करवाई गई, जिसमें सबसे पहले माँ त्रिपुर मालिनी चालीसा का गुणगान राजकुमार सहगल एंड पार्टी द्वारा किया गया, जिसके पश्चात भजन गायक जतिंदर शर्मा एंड पार्टी जालंधर वालों ने माँ भगवती के भजनों को गाकर उपस्थित माँ भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। माता की चौकी में मंच संचालन बलदेव आनंद ने किया। इस दौरान भजन गायकों को मां की चुनरी देकर विशेष रूप से सम्मानित भी किया गया। श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के महासचिव राजेश विज, वरिष्ठ उप प्रधान ललित गुप्ता, कोषाध्यक्ष पविंदर बहल, अरुण वर्मा, रमन शर्मा, मनीष शर्मा, राजू शर्मा, पवन मेहता, सुनील अरोड़ा, भूषण कोहली, अर्जुन मल्होत्रा, दमन मेहता सहित बड़ी संख्या में भक्तजन मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। I love you.
और देवी तला मंदिर प्रबंधक कमेटी वालों भी असी सारी संगत नूं इह बेनती करदे हाँ तुसी भी अपने अपने घरां विच दीप माला करो। ये दूसरी दिवाली है, सैकड़े साल लड़न तो बाद यह जिहड़ा मौका हुण आया है इहनूं इन्नियां खुशियां दे नाल मनाओ सारे रल मिल के ताकि पूरी दुनिया दे विच यह संदेश जावे कि जिहड़ा काम प्रभु राम ने पहले किया से आज दूसरी बार प्रभु राम जी का हुए मंदिर बन के तैयार है जिहदा शुभारंभ 22 तरीक नूं हो रहा है। तो मैं संगत अगे बेनती करांगा तुसी उस दिन शाम नूं टाइम नाल पहुँच जाना है क्यों जो संकीर्तन है मंदिर च वह तो सवेरे 12 बजे तो दोपहर शुरू हो जाएगा, उस तो बाद चलता चलता रात 9 बजे तक अलग अलग पार्टियां मां के चरणा च आके हाजरी भरनगियां और नाना प्रकार के लंगर भी लगाए जाएंगे। संगत नूं असीं बेनती करते हाँ कि तुसीं सारे पहुँच के ये जिहड़ा यज्ञ है पूरी दुनिया में जिसनों मनाया जा रहा है उस दे विच तुसीं भी अपने अपने समर्था अनुसार अपने अपनी हिस्सा पाना है। कोई फाइनैंशली असीं किसी नूं कुछ नहीं कहना भी कोई दवे, असीं किसी को पैसा नहीं मंगते, लेकिन जिहड़े दीपक जगाए जाएंगे सब तुहाडे सहयोग नाल ही हो पाने ने। देवी तला मंदिर प्रबंधक कमेटी या उन्हां दे सारे सेवादार लगभग लख सवा लख जो दीपक जलाया जाएगा वो कल्ले नहीं जला सकते, तुहाडा सहयोग ही सानू मिलेगा तो फिर ये काम पूर्ण हो पाएगा। तो संगत अगे मैं एक होर भी बेनती करांगा कि सानू पिछले दिन जिहड़ी शिकायतां मिलियां सन कि देवी तला मंदिर प्रबंधक कमेटी के नाम तो बहुत सारी माया लोगों ने इकट्ठी की और साडे प्रधान श्री शीतल वीर जी ने पूरा एक्शन लिया, मंदिर प्रबंधक कमेटी ने पूरा एक्शन लिया, असी उन्होंने एक दिन ही सुलझा लिया और जेडे साड़िया भैन ने साडे वीर ने जिन्होंने ये कार्य किया उन्होंने पैसे वापस गए, जिन्हें जिन्हों को उन्होंने उगराई की सी उन्होंने उन्होंने वापस कर दते और साडे प्रधान जी को पूरी टीम को उन्होंने क्षमा याचना भी की कि ये काम साढ़े एक बंदे की सलाह ना गलत हो गया। मैं संगत को एक बार फिर दस देना चाहवागा कि देवी तला मंदिर प्रबंधक कमेटी किसी को पैसा मंगन गेट तो बाहर नहीं जाती। सारी संगत ये नोट कर लवे देवी तला मंदिर की प्रबंधक कमेटी की जो रसीद है जिते असं भी इतने बैठ के मेले के पैसे इकट्ठे करते हैं 11 लाख रुपया जिसने दसिया है कि शर्त इस पर देना है कि तुम मेरा नाम नहीं लेना। चलो जगह जनी तो सब जानती है, सब नाम जानती है, होर भी 2 लाख रुपए का जो पेमेंट है वह सानू आई है ऑनलाइन आई है तो उन्होंने भी कहा कि नाम नहीं लेना, दानी तो महारणी इदा भेज देती है तो असी किसी को मंगन जाने की सानू कोई लोड़ नहीं। हाँ जी शरदा हो समर्था ना शरदा हो आप माँ के दरबार च आके समर्पण कर सकता क्योंकि दिता तो सारा उस माँ का ही है, असी तो कुछ देने योगे नहीं है, वह दिता ही उन्होंने वापस करते हाँ और बहुत सारे बच्चों थोड़ा जहा ही वापस करते हैं। श्री धाम अयोध्या जी एवं जालंधर पीठाधीश्वर श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर महंत श्री गंगादास महाराज जी के निमित्त मंदिर बाबा लाल दयाल आश्रम दिलबाग नगर में उनके शिष्य महामंडलेश्वर महंत केशव महाराज ने हवन यज्ञ करवाया। उन्होंने पूज्य महाराज जी की फोटो पर पूजा अर्चना कर ब्राह्मण को भोजन करवाया तो वहीं पंडित आचार्य साधु शरण पांडे बस्ती गुजा वालों द्वारा किए जा रहे श्री गरुण पुराण जी के पाठ को विश्राम दिया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। श्री देवी तालाब मंदिर कमेटी की ओर से लोहड़ी का पर्व बहुत धूमधाम से मंदिर परिसर में मनाया गया। मंदिर के पूजनीय ब्राह्मणों द्वारा विधिवत ढंग से पूजा अर्चना कर लोहड़ी जलाई गई। मंदिर के सीनियर उप प्रधान ललित गुप्ता एवं कैशियर पविंदर बहल ने विशेष रूप से उपस्थित होकर लोहड़ी पर्व की सभी भक्तों को बधाई दी। इस मौके पर अरुण वर्मा, राजू शर्मा, ज्ञान इंद्र दत्ता, प्रकाश शर्मा, अजय लाली, अमृत अरोड़ा, रोहित कुमार, मोहित कोहली, जतिंदर कुमार सहित असंख्य भक्तजन मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। खुशियां का त्यौहार है ये महारानी के दरबार की जा रहा है।
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦਲਵੇਜ ਔਰ ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਭ ਮਹਾਰਾਣੀ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਤਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤਿਉਹਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਲੋਹੜੀ ਕਾ ਪਾਵਨ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਲੋਹੜੀ ਜੋ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀਓ ਕਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। ਕਿਸੀ ਕੋ ਬੇਟਾ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੀ ਕੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੀ ਕੇ ਘਰ ਮੇਂ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਤੋ ਕਹਤੇ ਜੀ ਆਜ ਹਮਾਰੀ ਪਹਿਲੀ ਲੋਹੜੀ ਹੈ। ਲੋਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀਓ ਕਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। ਆਜ ਕੇ ਦਿਨ ਹਮ ਮਹਾਮਾਈ ਕੇ ਚਰਨੋਂ ਮੇਂ ਯੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਤੇ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਜਿਸ ਕੋ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਹੈ ਉਸਕੋ ਵਧਾਈ, ਜਿਸ ਕੋ ਨਹੀਂ ਦੀ ਉਸਕੋ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਗਲੀ ਲੋਹੜੀ ਪੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਆਪਕੋ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਔਰ ਜੇ ਤਿਉਹਾਰ ਜੋ ਹੈ ਉਤਸਵ ਜੋ ਹੈ ਜੇ ਬੜ ਚੜ ਕੇ ਸਭ ਲੋਕ ਮਨਾਏ, ਸਭ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਏ। ਇਸੀ ਦੇਵੀ ਤਲਾਬ ਮੰਦਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ੀਤਲ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਹਮਾਰੇ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਖੜ੍ਹੇ ਹੈ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਬੈਲ ਜੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੈ, ਸਭ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਕੋ ਜਲੰਧਰ ਵਾਸੀਓਂ ਕੋ ਇਸ ਲੋਹੜੀ ਕੇ ਪਾਵਨ ਦਿਵਸ ਪਰ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਵੀ ਤਲਾਬ ਮੰਦਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਹਾਰਦਿਕ ਵਧਾਈ। ਆਪ ਸਭ ਉੱਨਤੀ ਕਰੇ, ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ, ਆਪ ਖੁਸ਼ ਰਹੇ, ਐਸੀ ਹਮਾਰੀ ਇਸ ਪਾਵਨ ਦਿਨ ਪਰ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਹੈ। ਮਹਾਂ ਭਗਵਤੀ ਆਪ ਸਭ ਕੀ ਕਾਮਨਾਏ ਇੱਛਾਏ ਪੂਰੀ ਕਰੇ। ਇਸੀ ਉਮੀਦ ਕੇ ਸਾਥ ਆਪਕੋ ਫਿਰ ਸਭਕੋ ਲੋਹੜੀ ਕੀ ਵਧਾਈ ਦੇਤੇ ਹੋਏ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ। ਔਰ ਅਬ ਅੰਤ ਮੇਂ ਹਲਚਲ ਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀਓਂ ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੇ ਨਜ਼ਰ ਡਾਲੀਏ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੱਚੇ ਕੋ ਅਗਵਾ ਕਰਨੇ ਔਰ 3 ਕਰੋੜ ਕੀ ਫਿਰੌਤੀ ਮੰਗਣੇ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹ ਕੇ 2 ਸਦੱਸਿਓਂ ਕੋ ਕੀਆ ਕਾਬੂ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, 2 ਮੋਬਾਈਲ ਔਰ 2 ਹੈਲਮੇਟ ਕੀਏ ਬਰਾਮਦ। ਸੰਗਰੂਰ ਕੀ ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਮੇਂ ਅਚਾਨਕ 21 ਗਊਓਂ ਕੀ ਹੋਈ ਮੌਤ, ਡਾਕਟਰੋਂ ਕੀ ਟੀਮ ਜਾਂਚ ਮੇਂ ਜੁਟੀ। ਸੰਗਰੂਰ ਮੇਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਾਰਿਆਲੇ ਕੇ ਸਮਕਸ਼ ਹਥਿਆਰੋਂ ਕੀ ਦੁਕਾਨ ਮੇਂ ਹੋਈ ਚੋਰੀ, ਪੁਲਿਸ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਖੰਗਾਲਨੇ ਮੇਂ ਜੁਟੀ। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल। नमस्कार।